अब इस मैच के अंदर हमारे टोटल 19 किलो जाते हैं और इस पूरे मैच के अंदर एक स्कोर बची होती है जिसमें कि एक बंदा आगे होता है और एक बंदा ये पीछे होता है, जिनको कि मैं दोनों को नॉक कर देता हूँ। अब बचे इनके लास्ट दो बंदे। अब यहाँ पे मैं फटाफट से स्मोक कर लेता हूँ ताकि यार अब चारों तरफ से हम पे पड़े ना, लेकिन तभी यहाँ पे इतनी देर में देखो क्या होता है। तो फाइनली यार कुल मिलाकर आ चुके हैं एक कोर न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। अब यार मेरे को पता है मैं बहुत टाइम के बाद वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अब यार देखो ऐसा क्यों, क्योंकि यार देखो जब से ये मनुस अपडेट आया तब से पता ही क्या हो रहा है, इस हॉट ड्रॉप के ऊपर भाई इतने सारे बंदे आते हैं, कॉन्टेंट बहुत अच्छा बनता है, लेकिन यार कहीं ना कहीं मुझे या तो कैंपर मार देता है या फिर उतरते यहाँ पेटी बनती है। और भाई हम इतने नकटे हैं कि यहाँ पेटी बनने के बाद बदला लेने की भावुक में भाई यहाँ पे वापस आते हैं और फिर से पेटी बनती है। खैर यार देखो आज बहुत लेट आए लेकिन कॉन्टेंट बहुत तगड़ा लाया। उतरते भाई यहाँ पे ढेर सारे बंदे और देखो कैसे निपटाते हैं इनको। अब यार ये तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब आपके आंखों के सामने हो रहा है कि कितने ज्यादा साउंड आ रहे हैं। और भाई ये तो कुछ भी नहीं है, अब बस देखो इन बंदों को कैसे लथेड़ता हूं मैं। गन मिलते ही साला मार दिया। अब यार जहाँ तक मेरे को पता है वहाँ तक ये चीज़ मेरे अकेले के साथ नहीं हो रही है, जो जो सब ये लोग अपडेट खेल रहे हैं उन सभी के साथ ये चीज़ हो रही है। और अगर आपके साथ भी हो रही तो मुझे कमेंट करके बताना। और सबसे बड़ी चीज़ कि यार उतरती पेटी बनती वो तो अलग बात है, अगर आप सर्वाइव कर जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कैंपर मार देता है। और उससे भी कहीं ज़्यादा गुना पीड़ा देने वाली बात कि यार देखो मैं हर एक रात के अंदर सिर्फ दो से तीन घंटे ही खेल पाता हूँ, उसके अंदर कॉन्टेंट निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप सभी को पता है। तो यार कितनी मेहनत कर रहा हूँ वो सब आप चीज़ आप जानते ही हो। खैर उसको साइड में रखते हैं, भाई ये वाला जो गेम प्ले बना है ना भाई बड़ा जबरदस्त बना है, देखते आपको मजा आ जाएगा। जैसा कि आपको मैं शुरू में दिखाया था कि 20 प्लस किल तुम्हारे भाई ने निकाले, उसके अलावा इसमें भाई तुम्हारे भाई ने पूरे हॉट ड्रॉप में तबाही मचा के रख दी थी। खैर देखो यार अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक एक लाइक कर दो, फिर अपन और से तबाही मचाते हैं। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। अब मैं फटाफट से बस अपनी लूट कंप्लीट कर रहा था ताकि और बंदों को यार निपटा सकूं, और आगे की साइड से कुछ फायर हो रहे थे तो चलते हैं और बंदों की तरफ। अब मैं आगे की साइड बंदों पे जा रहा होता हूँ तभी मुझे हल्का सा साउंड आता है लेफ्ट से, तो मैं यहाँ पे एक नेड निकालता हूँ और मुझे बंदा लेफ्ट में जाता हुआ दिखता है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से नेड को कैंसिल करके इन पे पुश मारता हूँ। और ये देखो भाई साउंड का एस भी नहीं आ रहा था इस भाई को, तो अब मैं यहाँ पे दो मोली डालता हूँ क्योंकि मेरा किल कंफर्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर एक और बंदा है। अब उस बंदे का साउंड मुझे लास्ट में आया था और मुझे पता है उसकी लोकेशन किधर है, तो फटाफट से यहाँ से नेट निकालता हूँ और सीधा उस बंदे पे, ये देखो बूम। अब जैसे ही नॉक होता है तो मैं अंदर की साइड जाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे डाउट होता है कि इसके और टीममेट ना हो, तो जल्दी से फटाफट यहाँ पे स्मोक डालता हूँ ताकि कोई रिस्क ना हो, लेकिन थोड़ी देर में कन्फर्म होता है कि भाई यहाँ पे कोई और नहीं है, तो फटाफट चल के इसको फिनिश करते हैं। अब इसको फिनिश करते भाई यहाँ पे और भी गन साउंड आ रहे थे, तो यार किल तो भी बहुत सारे चाहिए थे और रुकने का तो नाम ही नहीं था भाई। तुम्हारे भाई का जो गेम प्ले होने वाला है ना बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, तो फटाफट से यार लाइक कर देना जिसने भी नहीं किया हो, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वीडियो में, देखो कमेंट दो तीन तो कर ही देना। बहुत टाइम में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो यार रीच में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो यार रीच बढ़ा देना, थोड़ी सी हेल्प कर देना, तो कमेंट कर देना, जो भी आपको कमेंट कर रहा हो कर देना, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट से बंदों की तरफ। अब मैं बस यहाँ से लूट कंप्लीट करके निकल ही रहा था तभी मेरा टीममेट बोलता है भाई मेरे पास बंदा है, तो देखो कैसे निपटाते हैं इसको। अब यार इसको तो क्या ही मैंने ड्रॉप शॉट मारा भाई मजा टाइप आ गया, लेकिन यार यहाँ पे मैं अपने टीममेट को नहीं बचा पाता हूँ। खैर यहाँ पर देखो जैसे ही मैं इसको निपटाता हूँ तभी भाई मेरा दूसरा टीममेट बोलता है भाई मेरे पास भी बंदे फटाफट आओ, तो जल्दी से मैं हील करता हूँ और भाई चलता हूँ अपने टीममेट के पास क्योंकि भाई उसके पास भी 2 से 3 बंदे हैं, तो चलते हैं फटाफट। दो बंदे। अब यहाँ पर मेरा टीममेट बोलता है भाई दो बंदे हैं, तो मैं टीममेट को बोलता हूँ तू बस मेरी साइड में आ जा, बाकी मैं संभाल लूंगा, तू बिल्कुल भी फाइट मत लेना, तो देखो अब इन दोनों को कैसे निपटाता हूँ।
अब इसको तो तुम्हारे भाई ने इजी एकदम घुस के इसको लपेट दिया था, लेकिन इसका दूसरा जो बंदा होता है भाई वो सामने वाले घर के अंदर चला जाता है। खैर देखो यार, यहाँ पर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे बोलते हो कि भाई सैम भाई आप तुम अपने टीममेट के भरोसे पे किल निकालते हो, मतलब कि अपने टीममेट को आगे भेजते हो उसके बाद तुम टीम किल निकालते हो। तो यार देखो मेरे भाई, आप पूरा गेम प्ले नहीं देखते हो, गेम प्ले अच्छी तरह से देखो। मैं कभी भी कोई भी फाइट के अंदर मैं अपने टीममेट को आगे नहीं भेजता हूँ, खुद जाके किल निकालता हूँ। खैर देखो मेरे को यहाँ पे बंदा दिखता है, सबसे पहले तो इसको नॉक करता हूँ। भाई ये भी सोच रहा होगा क्या ही एंगल निकाला। अब देखो सबसे पहले इसको फिनिश करते हैं। तो हाँ, आपने एवरी फाइट के अंदर, मतलब मेरी कोई भी फाइट के अंदर आपने देखा कभी भी कि मैं अपने टीममेट को आगे भेजता हूँ, खाली एक उस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे मेरे को लगता है कि यहाँ पे कैंपिंग हो रही है, तो एक वो प्लानिंग होती है। बाकी जो भी फाइट होती है मैं अकेला फाइट लड़ता हूँ। इनफैक्ट मैं अपने टीममेट को बोल के रखता हूँ कि भाई जब तक मैं नॉक ना हूँ तब तक तुम लोग फायर नहीं करोगे। तो यार ये एक अपना जलवा है, बाकी तुम लोग जो समझो वो सही है। इसीलिए मेरे गेम प्ले लेट आते हैं, मेरे गेम प्ले बन नहीं पाते क्योंकि जो करता हूँ मैं अपने दम पे करता हूँ। खैर देखो सामने की साइड में एक बंदा होता है जो कि भाई बिल्कुल कैंपिंग कर रहा होता है, तो देखो उसको कैसे निपटाते हैं। वॉच आउट, वहां से सर बंदा आ रहा है, बोट है, बंदा मार दो, किल ले लो। तो यार देखो फाइनली इस वाले बंदे को भी निपटा देते हैं और बस हमारे यहाँ पे हॉट ड्रॉप पे 11 किल होते हैं। अब तुम लोगों में से कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि यार देखो अभी आप बात कर रहे थे कि हमारे टीममेट मेरे को किल नहीं दिलाते हैं, तो भाई देखो अभी जो बोट वाली बात थी कि वो मेरे टीममेट ने बोला, चाहता तो मैं वहाँ पे कट कर सकता था, लेकिन क्यों मैं खुद ने चला के मैंने ये चीज़ दिखाई है कि यार देखो एक दो किल जो होते हैं वो यार मेरे टीममेट जरूर मुझे दिलाते थे, लेकिन जो बात होती है प्योर फाइट की वो मैं खुद से करता हूँ। अगर मैं अपने टीममेट को आगे भेज दूँ और उसके बाद में किल निकालूँ तो वो कोई फाइट नहीं होती, वो कोई 1v4 नहीं होता, वो कोई 1v2 नहीं होता, मतलब कि वो कोई प्योर किल नहीं होते हैं। जो प्योर किल होते हैं वो मैं खुद से निकालता हूँ और वही मेरा प्योर गेम प्ले होता है। तो देखो यहाँ पे अपने बस 11 किल होते हैं, यहाँ से मैं निकल जाता हूँ। अब बात करते हैं अपन एक सेकंड गेम प्ले की, जिसमें कि मैं Duo V4 खेलता हूँ, उसके अंदर तुम्हारे भाई ने 23 किल निकाले थे, वो मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन उसका एंड पार्ट जरूर दिखाऊंगा। तो फटाफट चलते हैं उस वीडियो पे। तो ये वो गेम प्ले होता है जिसमें कि तुम्हारे भाई ने 20 प्लस किल निकाले थे और मैं Duo V4 खेल रहा था अपने फ्रेंड के साथ में। अब यहाँ पे 19 किल करके मैं और बंदों को ढूंढ रहा होता हूँ और हमारे अलावा एक पूरी स्क्वाड बाकी होती है, जिसमें कि एक बंदा ये और एक बंदा आगे होता है। और भाई इनमें से मैं दो बंदों को नॉक कर देता हूं। अब बचे इनके दो बंदे, तो यहां पे मेरे को लग रहा था कि कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं फटाफट से यहां स्मोक करता हूं और तभी यहां पे देखना मेरे साथ में क्या होता है। भाई यहाँ पे मैं हो जाता हूँ नॉक। अब यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि चिकन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, 19 किल पे मेरी यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे मैं रिवाइव हो रहा था तो मेरी सांसें बढ़ रही थी कि कुछ हो सकता है, तभी मुझे ऐसा साउंड आता है कि बंदा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जल्दी से रिवाइव हो जाता हूँ और फटाफट रिवाइव होते पीछे आता हूँ और सबसे पहले फॉल बैक जाता हूँ। इतने में मेरा एक किल भी कन्फर्म हो जाता है। देखो आगे ये कहानी। अब यहाँ पर रिवाइव होते ही सबसे पहले हीलिंग करता हूँ, गन वन लोड करता हूँ और मैं समझ जाता हूँ कि बंदों को हमारी लोकेशन एकदम पता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना भाई, सबसे पहले यहाँ पे फॉल बैक करना पड़ेगा। तो फटाफट हील करता हूँ और मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ तू यहीं रुक, मैं फॉल बैक करता हूँ। और देखो अब जैसे मैं इधर लेफ्ट की साइड आया तभी एक बंदे का साउंड आया। अब यहाँ पर मेरे को इसके साउंड तो आ चुके थे, लेकिन मैं कुछ करता उससे पहले इसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया। खैर यहाँ पे मैं फटाफट से इसको निपटा देता हूँ और जल्दी से अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ। इतने में जैसे इधर आया तभी UMP से किसी ने इस बंदे को मारा। अब यहाँ पे मैं समझ तो गया था कि बंदा सामने की साइड में, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे मेरे को लोकेशन उसकी पता चल नहीं पाई, इसलिए मैं फटाफट से टीममेट को रिवाइव देता हूँ। अब यहाँ पर टीममेट को रिवाइव करते ही मैं बोल देता हूँ भाई लास्ट बंदा बचा है तो तू बग्गी लेके निकल, अगर कुछ हलचल होगी तो मैं उसको मार दूंगा। अब मेरा टीममेट तो बंदा देखने निकलता है और मुझे बंदा दिख जाता है। और ये लो भाई, तुम्हारे भाई ने एक शानदार से यहाँ पे 22 किल के साथ चिकन डिनर कर लिया। अब इसका फुल गेम प्ले मैं आपको कभी और दिखाऊंगा जो 22 किल वाला था। अब वो 11 किल वाला था वो अलग था, वो आपको मैं पहले ही बता चुका था। अब देखो खैर यार, आपको गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और HDR के अंदर तुम्हारा भाई इतना स्मूथ कैसे रिकॉर्ड करता है, मैंने 2-3 कमेंट तो देखे थे कि भाई आप HDR के अंदर कैसे रिकॉर्ड करते हो, हमारा तो डिवाइस लैग करता है। अब वो कैसे, मैं आपको अगर इस चीज़ के ऊपर डिटेल में वीडियो जाननी है, डिटेल में बातें जाननी है,
तो मुझे कमेंट कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर उसी के ऊपर बताऊंगा कि आप HDR में गेम प्ले बनाओ या फिर आप 90 FPS में बनाओ, तो आपका स्मूथ रिकॉर्ड होने वाला है और आपकी क्वालिटी भी एकदम स्मूथ आएगी। तो अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, और स्पेशली आपको गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना हो सके तो। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, बोलो भारत माता की जय।